अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इंडिया में कोई भी स्टेट में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन आप फॉरेन में विदेशों में ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक परमिट होता है जिससे आप 150 कंट्री से भी ज़्यादा देशों में आप ड्राइविंग कर सकते हैं और वहाँ पे रेंट पे लेके आप कोई भी व्हीकल को चला सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। वो समझते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अलग है और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट अलग है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास 6 डॉक्यूमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले है फॉर्म 4A, एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाके डायरेक्ट इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, फिलअप करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये फॉर्म को फिलअप कर लेना है। यहाँ देख लेंगे फॉर्म 4A, यहाँ सब रूल के तहत ये फॉर्म को फिलअप किया जाता है। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने RTO का नाम यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपके RTO का लगता है। जैसे आपका RTO दिल्ली है तो दिल्ली, अगर आपका बम्बई है तो बम्बई, जो भी आपको RTO लगता है तो वो आप यहाँ पे वो जगह का नाम RTO का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से व्हीकल के लिए आपको यहाँ पे परमिट मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो है आप अपना पूरा नाम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे नाम कैसे डालना है, जैसे अगर आपका नाम है या किसी का नाम है मोहम्मद मसीर राजा, तो यहाँ पे पहले वो क्या करना है, यहाँ पे पहले डालेंगे मोहम्मद मसीर राजा, तो पहले राजा डालेंगे, इसके बाद मसीर डालेंगे, इसके बाद मोहम्मद डालेंगे। अगर आपका नाम है राजकुमार तो पहले आप डालेंगे कुमार, इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है राज। इसी तरीके से ये जो है नाम में आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है फादर्स या हस्बैंड, अगर आपका कोई लड़की जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं इंटरनेशनल, तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे डाल सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो बर्थ कहाँ हुआ है, कौन से कंट्री में हुआ है, वो आपको यहाँ पे बर्थ प्लेस और कंट्री का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको बी वाले में आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हैं वो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें टाइपिंग कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके बॉडी पे कोई कटा फटा का निशान हो तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पर दो है ऑप्शन, यहाँ पे आप कोई भी एक डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जैसे किसी का बी पॉजिटिव होता है या कुछ होता है, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या पहले आपको कोई इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का परमिट मिला है, अगर मिला है तो इसको फिलअप कर देंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपको सजा हुई कोई केस में तो यहाँ पे उसका डिटेल्स डालेंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिसक्वालीफाई किया जा रहा है, अगर किया गया है तो यहाँ पे उसका रीज़न डालेंगे, नहीं तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आपका कभी ड्राइविंग टेस्ट लिया गया है, अगर लिया गया है तो यहाँ पे यहाँ डेट डालेंगे कब लिया गया था, यहाँ टेस्ट अथॉरिटी का डेट डालेंगे, यहाँ पे रिजल्ट डालेंगे कि आपका क्या रिजल्ट था। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इस एप्लीकेशन के साथ में आपको 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लगानी है,
14 नंबर्स देखिए, यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है, यहाँ डेट डालना है, यह कब इशू हुआ था वो डालना है और कब तक वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद नीचे यहाँ अपने फॉरेन कंट्री का अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करना है, यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, जो भी डेट है जिस डेट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके फॉर्म को फिलअप करते ही ये आपका जो है फॉर्म 4A इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आपको फॉर्म 1A फिलअप करना है, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जहां से जाने के बाद इसको डाउनलोड करेंगे। ये फॉर्म को मेडिकल डॉक्टर ही फिलअप करेगा या कोई रजिस्ट्रार ही इसको फिलअप करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर जो है फॉर्म 1A है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, तो ये डॉक्टर या कोई रजिस्ट्रार ही इसको ये फिलअप करेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालेंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आ जाएगा, आपके बॉडी पे कोई कटा फटा या कोई जला का निशान है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आपको कुछ जो है डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, इसको डिक्लेरेशन को आपको येस नो में इसका जवाब देना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि यहाँ डॉक्टर जो है यहाँ पे नाम डालेगा कि मैंने इसको एग्जामिन किया है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे डॉक्टर का सील और यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है जो भी कैंडिडेट है उसको यहाँ से ऊपर में आपको सिग्नेचर कर देना, नीचे में नहीं करना है, क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे जो होते हैं जो नीचे में सिग्नेचर कर देते हैं, तो आपको नीचे में सिग्नेचर नहीं करना है। मैं बहुत सारी वीडियो में बता रखा हूँ कि जब भी आप सिग्नेचर करेंगे तो ऊपर में करेंगे, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पर ऊपर में करनी है। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो भर लेंगे तो ये आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। थर्ड डॉक्यूमेंट आपको ये आ जाता है आधार कार्ड, ये सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, ये आप नहीं भी देंगे तभी चलेगा, क्योंकि अब आपको जो है फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा पासपोर्ट। तो जब आप पासपोर्ट दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपको आधार कार्ड का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। पासपोर्ट भी देना होता है तो पासपोर्ट खुद में ही एक सिटीजनशिप है और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो आप आधार कार्ड नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, आपको पासपोर्ट देना ही देना है। तो पासपोर्ट की आपको एक फ़ोटोकॉपी देनी है, जहाँ पे आपको पासपोर्ट में फ़ोटो सिग्नेचर और नेम वगैरह लिखा होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीका से रहेगा, तो इस तरीका से आपको पासपोर्ट देनी है जहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर और आपका नाम रहता है। इसके बाद है फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वीजा, वीजे की आपको एक फ़ोटोकॉपी देनी होगी जो आपको इस तरीके से रहेगा। और सिक्स डॉक्यूमेंट है आपको फ्लाइट टिकट, तो आपको फ्लाइट टिकट भी आपको देनी होगी। बहुत सारे ऐसे RTO है जो फ्लाइट टिकट नहीं मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है RTO जो फ्लाइट टिकट भी मांग देते हैं, तो आपको फ्लाइट टिकट भी रेडी रखना है। तो ये जितने डॉक्यूमेंट है आपको सभी को रेडी रखना है और आपको जाना है RTO ऑफिस। इसके बाद जितने डॉक्यूमेंट है ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है RTO ऑफिस में, वहाँ पे आपको जितने डॉक्यूमेंट है वो सभी को आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये फ़ीस पे करनी होगी, पहले ये फ़ीस होती थी 500 रुपीज़, बट अब ये फ़ीस जो हो गई है 1000 रुपीज़। तो अब जो है आपको वहाँ पे 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपये वहाँ पे अब आपको लगेंगे। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कोई स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, बल्कि ये इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को ही ट्रांसलेट कर देता है कुछ फॉर्मेट में, जो RTO के पास होता है वो अपने फॉर्मेट में इसको जो है कुछ लैंग्वेज में इसको चेंज कर देता है, उसी को जो बोला जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट को अलग अलग समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट दोनों सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है। तो RTO के पास एक फॉर्मेट होता है जो अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक फॉर्मेट पर उसको कुछ लैंग्वेजेस में चेंज कर देता है, तो वही हो जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इसमें 2 से 5 दिन में आपको जो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन के रेडी हो जाता है। आपको RTO में जाना है और जितने डॉक्यूमेंट है वो सभी लेके आपको जाना है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद जो है आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कोई अलग नहीं होता है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के कुछ फॉर्मेट होते हैं RTO के पास, जो उसको कुछ लैंग्वेज में उसको चेंज कर देते हैं, तो वही इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, कोई ये स्पेशल नहीं होता है।
इसकी फीस पहले 500 रुपया हुआ करती थी, बट अब इसकी फीस 1000 रुपीस हो गई है। तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे उसके पास कुछ फॉर्मेट होते हैं, वो फॉर्मेट में कुछ लैंग्वेज में उसको चेंज कर देते हैं, तो वही हो जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपको 2 से 5 दिन में आपके बन के रेडी हो जाता है और वो आपको 2 से 5 दिन में आपको मिल जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।